हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं किया सोनेट का बिल्कुल नया नवेला, रिसेंटली लॉन्च हुआ ऑरॉक्स एडिशन। जैसा कि आपने पहले देखा था, यहां पर लिखा हुआ आता था एनिवर्सरी एडिशन, अब आ गया है ऑरॉक्स एडिशन। तो बहुत टाइम से वेट हो रहा था ना, कुछ नया सा आए किया की तरफ से, तो वो चीज़ फाइनली आ चुकी है। पहले ही ब्लैक कलर में भाई ये इतनी गजब सी लगती थी, अब ब्लैक कलर के साथ इन बॉडी कर्व्स के साथ जब ये ऑरेंज कलर के हाइलाइट्स ऐड हो जाते हैं ना, तो भाई पूरे नंबर ले जाती है गाड़ी। अब ये क्या कोई नया वेरियंट है? तो नहीं भाई, ये स्पेशल एडिशन है, एचटीएक्स वेरियंट पे बेस्ड है, पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाएगा। अच्छी चीज़ है, पेट्रोल में कोई भी इसको अंडर पावर होने की शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 1.0 टर्बो पेट्रोल ही मिलेगा। या टर्बो पेट्रोल ले लो या टर्बो डीजल ले लो। अब टर्बो पेट्रोल की कीमत है कितनी? 11,85,000 रुपये एक्स शोरूम। वहीं टर्बो डीजल की बात कर ले तो वो मिलेगा आपको 12,65,000 रुपये का। अब ये चीज़ तो हो गई एक्स शोरूम कीमत की, लेकिन ऑन रोड कितनी बैठेगी? तो भाई मोटा मोटा मान के चलो 14.5 लाख रुपए में आपको ये वाली जो डीजल अपने सामने खड़ी है ये मिल जाएगी। तो ये तो हो गई प्राइसिंग की बात, अब बात आ जाती है इसके लुक्स की। तो भाई इस वेरिएंट में आपको सामने से देखते ही बिल्कुल प्रीमियम, मतलब टॉप एंड वाली फील मिल जाएगी। रीजन है इसकी चौड़ाई, जो कि 1790 mm की क्रेटा जितनी चौड़ी गाड़ी है। उसके साथ साथ जो हेडलैम्प है ना, वो आपको पूरी तरह से LED में मिलते हैं। ये हो गया हेडलैम्प अपना, यहां पर ये जो अपने लिप टिप कर रहे हैं यही अपने जलते हैं LED DRL में, और यही हो गया अपने इंडिकेटर। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, जो कि है अपना हैलोजन बल्ब के साथ, और प्रोजेक्टर है। ये है पूरा का पूरा सामने से व्यू, कहीं भी आपको रफ ब्लैक नहीं दिखता इसमें। ये पूरी की पूरी ग्रिल जो देख रहे हो, ये भी ग्लॉसी ब्लैक में है। और जो नीचे ये कमाल किया हुआ है ना, ये भाई एक्स्ट्रा नंबर जोड़ देता है इसमें, डिफ्यूजर की तरह काम करती है, एग्रेसिव सा लुक देती है। आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई ये है कुछ साइड से गाड़ी। अब है कितनी लंबी? तो भाई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है, तो 3995 mm इसकी लेंथ है। वहीं बात करें इसके व्हील बेस की, तो मिल जाता है आपको 2500 mm का। लेकिन जो स्टैंड आउट कर जाती है ये, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। व्हील बड़े चमकते हुए से लग रहे हैं। तो सेक्शन क्या है? 215/60R16 इंच के हैं, डायमंड कट है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं वही ऑरेंज कलर। डिस्प्ले आगे आपको मिल जाती है, पीछे है ड्रम ब्रेक, लेकिन देखो साइड प्रोफाइल रनिंग बोर्ड पर भी आपको वही चीज़ मिलेगी जो चीज़ मिल जाती है सामने। यही आपको बताता है कि ये बाकी सोनेट से अलग है, ये ऑरॉक्स एडिशन है। बाकी एक और बैजिंग आपको दिख रही है यहाँ पर, IMT लिखी हुई। तो बिल्कुल भाई साहब, अब मैनुअल तो रहा ही नहीं है, क्लच व्लच खत्म हो गया किया की गाड़ियों में। अब आपको गियर बॉक्स मिलेगा, लेकिन क्लच नहीं मिलेगा, वो अंदर जाके बताऊंगा। फिलहाल ये हो गई पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल। ORVM अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल हैं, और साथ में ये हो गया LED इंडिकेटर। ऊपर से ब्लैक कलर पर भाई देखो, सबसे ऊपर रूफ रेल, उसके बाद ये क्रोम के अपने डोर हैंडल, उसके बाद नीचे सिल्वर कलर का काम, एलॉय व्हील, ये सब के सब चार चांद से लगा देते हैं। देखो पूरी प्रोफाइल में प्रीमियम लगने लगती है ना गाड़ी। अब आ जाते हैं रियर की तरफ। तो रियर से हैं ये कुछ काम, क्या बात है भाई, रियर की प्रोफाइल वाकई बहुत लोगों के चलते हैं। और रात के समय जब ये टुकड़े से जलते हैं ना, मतलब जैसे ही लाइट आप ऑन करोगे ये 5 टुकड़े जलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। उसके साथ साथ ये अपने यहाँ पर ये भी LED में ही जलती है स्टॉप लैंप के तौर पे। ये हो गया इंडिकेटर, हैलोजन बल्ब, और ये हो गया अपना रिवर्स लैंप। आगे पूरी प्रोफाइल ये है, कुछ कैमरा आपको मिल जाता है रिवर्स करने के लिए, और उसके साथ साथ कोई वाइपर नहीं मिलता, लेकिन ये डिफॉगर आपको मिल जाता है। ऊपर हो गया हाई माउंट स्टॉप लैंप, और वहाँ पर अपना शार्फिन एंटीना। ओवरऑल जैसा आगे था, जैसा साइड प्रोफाइल में था, वैसा ही डिज़ाइन पीछे भी डिफ्यूज़र फॉर्म में आपको मिल जाता है बम्पर में, ठीक है। तो ये हो गई बाहर बाहर से गाड़ी। यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप, 45 लीटर की इसमें आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपना नया लॉन्च हुआ वो ऑरॉक्स एडिशन। पेट्रोल में कीमत है 11,85,000 रुपये। वहीं बात करें इसके डीजल वेरियंट की, जो कि अपने सामने खड़ा है, वो मिल जाता है आपको 12,65,000 रुपये का। अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए चाहिए अपन को चाबी। चाबी मिलती है कुछ इस तरह से भाई, प्रीमियम सी है, और दोनों की दोनों भाई रिमोट मिल रही है, 4 बटन वाली, मतलब लॉक अनलॉक, ये तो हो गए नॉर्मल से, ये हो गया तीसरा बटन किसका, बूट अनलॉक का। लेकिन चौथा जो ये वाला बटन है ना, यहाँ वाला होल्ड वाला भाई, ये करता है कमाल, गर्मियों में बहुत काम आता है। इसको दबा के रखोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अपने आप, अनलॉक नहीं होगी स्टार्ट हो जाएगी, AC चालू हो जाता है ना, बढ़िया चीज़। तो भाई अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। ये इंटीरियर देखने में आपको यही लगेगा कि नॉर्मल वाली जो सोनेट आती है वही है, लेकिन बात करें फीचर्स की तो वो क्या मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है पूरा का पूरा। ये देखो, ऐसे नकली शकली नहीं है भाई, असली है, ठीक। उसके साथ चारों के चारों पावर विंडो है, ड्राइवर साइड अपनी ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ मिल रही है, इलेक्ट्रिकली फोल्ड करने के लिए मिरर्स को ये देखो साथ में एडजस्ट करने के लिए ये मिल जाता है। नीचे हो गया बॉटल होल्डर, और साथ में अम्ब्रेला होल्डर भी मिल रहा है। 1, 2, 3, 4 चारों डोर में 4 स्पीकर मिल रहे हैं, उसके साथ 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं। ये तो हो गए डोर ट्रिम की बात।
अब आती है बात सीट की, तो भाई सीट का अंडर था सपोर्ट आगे की सीट का बहुत बढ़िया है, हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है साथ में आपको, और एयरबैग देख रहे हो सीट के साइड में भी मिल रहे हैं, मतलब दो सीट के साइड में और दो फ्रंटल, भाई चार एयरबैग इसमें आपको मिल जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों के पाँचों जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं, ये तो स्टैंडर्ड ही हो गया। आप चलो भाई अब आती है बात अंदर की, अंदर बैठते हैं तो ये नज़ारे मिल रहे हैं, ऐसे ही नहीं प्रीमियम बोला जाता किया की गाड़ियों को, आपको बैठते ही ये फील करा देती हैं। एक बार टिकटॉक करते हैं बंद, इसको करते हैं यहाँ से बंद और शीशे चढ़ा ले पहले स्टार्ट ही कर ले। अब देखो भाई नीचे आपको कोई भी मेरी आदत जैसे क्लच में दबा रहा था लेकिन क्लच है ही नहीं, एक बार सीधा पैडल दबाते और ये दबाया, सिस्टम चेक, गाड़ी हो गई अपनी स्टार्ट, बहुत बढ़िया, डीजल की कड़कड़ाहट आने लगी कानों में, और इसका जो डीजल है ना वो लगता बढ़िया है यार, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। चलो एक बार एसी अपना स्टार्ट कर लेते हैं, कहाँ से होगा यहाँ से, ठीक है भाई लो पे कर लेते हैं इसे, गर्मी हो रही है बहुत भयंकर। चलो ये करेगा अपना काम, हम करते हैं अपना काम। तो ये मिल रहा है आपको कुछ इस तरह से क्लस्टर, पूरी तरह से डिजिटल है, बीच का हिस्सा लेकिन साइड में आपको सुइयाँ मिलती हैं। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कांटा सा, ये ठीक है, ये हो गया टैको, इधर आपको स्पीडोमीटर मिलेगा डिजिटल फॉर्म में, यहाँ पर हो गया अपना फ्यूल गेज और साथ में ये हो गया अपना इंजन का टेम्परेचर। बीच में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने दिखाते हैं, यहाँ से एक बार इसको ओके करते हैं, ये हो गया ओके, हाँ यहाँ से देखने शुरू होंगे, माइलेज दिखा रहा है उसके साथ, TPMS बहुत बढ़िया, और उसके साथ हाँ लाइटिंग वाइटिंग और डोर, बाकी जो अपने वो हैं सेटिंग्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ये हो गया। चलो भाई हाँ DEF, अरे भाई ये कैसे भूल रहे हैं, अब तो ये भी एडिशन में है ना BS6 Phase 2 में, तो भाई ये DEF का यूरिया लेवल आपको यहाँ पर दिखा देता है, और नीचे देख रहे हो छोटा छोटा आ रहे थे तीन वो सीटें ऐसी जलती है। देखो दोबारा दिखाता हूँ, एक बार बंद करते हैं गाड़ी और फिर से दबाएंगे, ये देखो इनकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पर तीन तीन लाइट आ रही है, तो भाई ये पीछे वालों के लिए, रियर सीट पर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो उसका भी यहाँ पर इंडिकेशन दिखाने लगेगा, बहुत बढ़िया। अरे लाइटें क्यों जल रही हैं, हाँ लाइट करते हैं बंद, हाँ तो भाई लाइट बंद कर दी है, लेकिन आपको बता दूँ ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, बढ़िया चीज़, प्रीमियम तो है यार, है ना। उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया अपना हेडलैम्प के लिए, ये मैनुअली मिलते हैं, स्टेयरिंग की बातचीत आती है तो भाई स्टेयरिंग आपको मिल जा रहा है पूरा का पूरा लेदर रैप्ड, देखो क्या बड़ा पूरा सा लग रहा है ना, बटन ही बटन जगह जगह, ठीक। यहाँ पर हो गया अपने किसके वॉइस कमांड का, साथ में म्यूजिक प्लेयर है, उसके सीक बार वगैरह के बटन्स, ठीक। उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं क्रूज कंट्रोल, और उसके साथ ये हो गया अपने यहाँ पर क्लस्टर के लिए कंट्रोल्स, ठीक। एक एडजस्टमेंट देखते हैं, टिल्ट है और बस ट्विल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, बाकी यार अच्छा लगता है यार अंदर, बार बार मैं ये कहूँगा, ये देखो पूरा का पूरा ग्लॉसी प्रीमियम सा अपना बेजल, साथ में यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर है अपना, इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले चलता हुआ, देखो कहाँ से पावर, हाँ ये ठीक हो गया, कन्फर्म हो गया, एक बार इसको बंद करते हैं, हाँ देख रहे हो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली चलेंगे, 8 इंच का है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर, दोनों के दोनों अच्छा काम कर जाते हैं, बढ़िया आवाज़ दे देते हैं आपको, कोई शिकायत वाली फीलिंग नहीं होगी। उसके नीचे आता है तो ये मिल रहा है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा एडवांस फील होगा आपको, ये हो गया अपना यहाँ पर हजार्ड का बटन, इसको करते बंद, नीचे ये हो गया फोन वन रखने की जगह, उसके नीचे यहाँ पर भी जगह मिल रही है, अच्छी चीज़ है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पर USB, इसमें कुछ भी लगाने के लिए ड्राइव वगैरह, और साथ में ये हो गया USB डायरेक्टली चार्ज करने के लिए फ़ोन को, और हाँ ये आया अब 6 स्पीड का गेयरबॉक्स, अच्छी चीज़ है कि माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा, और उससे भी अच्छी चीज़ है क्या कि भाई टेंशन ही नहीं है क्लच की, देखो ये पैर जो अपना थकता था ना ट्रैफिक में वो आ रहेगा अपने रिलैक्स मोड पे, यहाँ से ऐसे लगा दिया पहला गियर, यहाँ से लगा दिया दूसरा गियर, बस मस्त। उसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर अपने मिल रहे हैं 2 कप होल्डर, अरे वाह बीच में फोन वोन खड़ा करने की जगह है क्या, ये देखो ठीक। और उसके बाद आ गया अपना आर्म रेस्ट, बढ़िया सॉफ्ट टच में है, अंदर देखते हैं हाँ ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है। चलो ये देखे अपना नई कूल्ड नहीं है ग्लोव बॉक्स, और उसके ऊपर IRVM बिल्कुल डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है टिकट होल्डर और सनग्लास होल्डर भी है साथ में, लैंप अंदर बिल्कुल पीले वाले हैं यार, इसे LED करना चाहिए। यहाँ मिल जाता है आपको माइक, और बीच में आपको मिल रही है वो चीज़ जिसको मैं भी पहले मानता था बहुत ज़रूरी है भाई, प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो तो प्रीमियम ये सनरूफ होनी चाहिए, लेकिन अब बहुत उतर चुका है मेरा भी खुद सनरूफ यूज़ करके, फिलहाल जिन्होंने नहीं यूज़ करी उनको बहुत एक्साइटिंग सी लगती है, इस तरह से अपनी पूरी खुल जा, हाँ इस तरह से आपको सनरूफ मिल जाती है छोटी वाली,
ठीक है। और ये जो ब्लाइंड है हमें हाथ से ही बंद करना पड़ेगा, ठीक हो गया। चलो आगे का कैबिन लगभग लगभग पूरा हो गया, ये बचे हैं बस इधर के कंट्रोल्स अपने। यहाँ पर ये तो बता ही दिया आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का, ये हो गया अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। उसके साथ नीचे आपको दिया हुआ है इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए, और साथ में ये हो गया हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक हो गया। अब देखो अपने हिसाब से बिल्कुल सीट एडजस्टेड है। एक बार इसको यहाँ से बंद करें, नहीं बंद नहीं करते, अपने पीछे आपको दिखाते हैं कि स्पेस कितना है, और एसी वेंट भी है ना इसमें, वो भी तो दिखाना है, ठीक। इसको किया बंद, और ये देखो सबसे पहली चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ है, जब पुलिस वाले रोक लेते हैं तो बहस भी करवा देती है हमारी भाई, कंपनी आपको दे देती है इसमें ब्लाइंड पीछे के दोनों डोर के लिए, अच्छी चीज़ है। साथ में ये हो गया अपना पावर विंडो का बटन, नीचे बॉटल होल्डर मिल जा रहा है, और सॉफ्ट टच वाला वही फील आपको मिलता है पीछे भी। आते हैं अंदर की तरफ, तो सबसे पहले आपको देखो देखते क्या, तीन तीन हेडरेस्ट एडजस्टेबल तीनों के तीनों, बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें बैठते हैं अपने, और बैठ के आपको दिखाते हैं, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आपको अंडर थाई सपोर्ट इसमें कम देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है, कम हाइट वालों के लिए सही है, लंबे बंदे थोड़ी सी शिकायत कर जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से एसी वेंट, बढ़िया हवा मारने के लिए पीछे। ये हो गया अपना यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और फोन वन रखने की जगह, हम तो ज़्यादा ऊँचा नहीं है तो कोई शिकायत नहीं होगी। और सेकेंडरी लैंप भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक हो गई कहानी यहाँ की। आर्मरेस्ट वगैरह कोई नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब चलते हैं सबसे पीछे, मतलब इसके बूट की तरफ। ये बार गाड़ी करते हैं अपने बंद, ये ठीक है, ये भी खोल ही लेना साथ के साथ। तो कहानी यहाँ, ये आपको मिल जाता है 392 लीटर का बूट स्पेस, भाई काफ़ी बड़ा है और दिख भी रहा है यार, स्क्वायर शेप में बिल्कुल पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर आपको लैंप मिल रही है, और ऊपर मिल जाता है इस तरह से पार्सल ट्रे, बढ़िया चीज़। एक बार अंदर झांके कि वो क्या है इसका हिसाब किताब, हाँ कितने इंच है, 15 इंच मिल रहा है, 195/65R15। चलो इसको करते हैं अब अपने बंद। अब बात आती है सीधा इंजन बे की, खोल ही लिए अपने, ये अपना CIDI 16 वोल्ट, जैसा कि आपको बताया 12,65,000 रुपये इसी की कीमत है एक शोरूम। अगर पावर की बात करें तो देता है आपको ये मोटा मोटा 115 BHP की, वहीं टॉर्क देखते हैं वो मिल रहा है इसमें 250 NM का, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। पहले आता था थोड़ा सा अंडर पावर, मतलब 240 NM का, लेकिन अब जब से BS6 फेस 2 है तो भाई वही मैक्सिमम पीक आउटपुट पर चला गया अपने। 4 सिलेंडर है, रिफाइंड है, बहुत टाइम से ट्रस्टेड है, ऊपर कोई भी आपको क्लाइडिंग वगैरह नहीं दी, रीज़न है काफ़ी शांत है, और नीचे खाली माहौल है। ABS, EBD, ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सारे के सारे ब्रेक असिस्ट, सब कुछ इसमें आपको दे दिया है कंपनी ने। चलो इसको करते हैं अपने बंद। तो भाई इस तरह से थी अपने सामने ऑरॉक्स एडिशन, जो लिमिटेड एडिशन अभी आया है कंपनी का, बहुत टाइम से इंतज़ार था कुछ नया आए सेल्टॉस में या सोनेट में, तो भाई सोनेट में आ चुका है। कीमत है दोबारा से बता रहा हूँ 12,65,000 रुपये एक शोरूम, और इसी में आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो, उसकी अलग कीमत है, लेकिन फिलहाल अपने आगे डीजल मैनुअल थी, ठीक है। तो चेंजेस आपको कैसे लगे, गाड़ी आपको कैसे लगी बताना जरूर। आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब करना, संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।